हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में इसके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया जाएगा, साथ ही सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। और सिलेबस के ऑफिशियल PDF को आप jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया जा रहा है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। इसमें आपको प्लस के सारे बेनिफिट मिलेंगे, उसके साथ साथ पर्सनल कोच मिलेगा जो कि आपके पढ़ाई में बहुत ही यूजफुल होगा। आप अपनी पढ़ाई को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा मेंस के क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको स्टडी प्लानर दिया जाएगा और एक्सपर्ट गाइडलाइंस तथा मेंस टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा होंगी। इसके अलावा लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी। आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा और सभी क्लासेस का एक्सेस आपको दिया जाएगा। आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तुरंत ले लेना चाहिए, जिसके लिए मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले SR अड्डा कूपन कोड यूज करें, जिससे आपको 7,000 से लेकर 15,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कुछ जानना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपके रिटेन एग्जाम होगा जो कि दो चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा होगी। तो आपका एग्जाम दो चरणों में होगा, दोनों में रिटेन एग्जाम होगा और दोनों में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की। तो इसमें एक क्वेश्चन पेपर आएगा सामान्य ज्ञान का, जिसमें आपसे सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान तथा गणित से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मानसिक क्षमता जांच यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल पहले पेपर में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में होंगे, लेकिन हिंदी का पेपर आपका हिंदी में होगा और अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में होगा। लेकिन अगर हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चंस में कोई भिन्नता हुई तो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन ही सही माना जाएगा। इस परीक्षा में आप किताब ले जा सकते हैं और प्रत्येक विषय के लिए आप एक बुक ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें आप नोट्स नहीं ले जा सकते हैं और पर्ची नहीं ले जा सकते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक बुक ले जानी होगी। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे सामान्य अध्ययन की। तो इसमें आपके आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, समाज में उनका अनुप्रयोग तथा उनके संबंध की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा डेली की घटनाएं यानी कि करंट अफेयर के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा बिहार और उसके साथ पड़ोसी देशों में संबंध के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर समसामयिक विषय में आपसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पूछे जाएंगे, भारतीय भाषाएं पूछी जाएंगी, पुस्तक और लिपि पूछी जाएगी, राजधानी, मुद्रा तथा खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही भारत और उसके पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पड़ोसी देशों का इतिहास पूछा जाएगा, भारत का इतिहास पूछा जाएगा, संस्कृति पूछी जाएगी, भूगोल पूछा जाएगा, आर्थिक परिदृश्य तथा स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन होंगे तथा भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान और गणित की। तो इसमें सामान्य विज्ञान में आपसे भौतिक विज्ञान पूछे जाएगी, रसायन विज्ञान पूछे जाएगी, जीव विज्ञान तथा भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर अंकगणित में आपसे संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन तथा दशमलव और भिन्न संख्याएँ पूछी जाएंगी, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध तथा मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं तथा परसेंटेज और अनुपात तथा समानुपात से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही एवरेज, ब्याज और लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मानसिक जांच क्षमता की। तो इसमें आपसे सादृश्य, समानता एवं भिन्नता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्थान कल्पना, समस्या समाधान तथा विश्लेषण के बारे में पूछा जाएगा, दृश्य स्मृति, विभेद तथा अवलोकन और संबंध अवधारणा के बारे में पूछा जाएगा, अंकगणितीय तर्क और शक्ति के बारे में पूछा जाएगा, अंकगणितीय संख्या संकलन एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद आपकी टंकण जांच परीक्षा होगी जो कि कंप्यूटर पर होगी, मंगल फॉन्ट में ली जाएगी।
इसमें आपको हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको 300 शब्द 10 मिनट में टाइप करने होंगे, जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो डिटेल में जानने के लिए आप इस सिलेबस के PDF को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सिलेबस के PDF को डाउनलोड कर लें, और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।